सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। आज की वीडियो में मैं आपको बालसम यानी गुलमेहंदी के प्लांट से सीड को कैसे कलर करें और किस टाइम कलर करें उसका प्रोसेस बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये बालसम के प्लांट की फलियां हैं और आप देख सकते हैं जब ये फलियों का ऊपर का कवच आपको लाइट ग्रीन जैसा दिखने लगे तो आप इन कवच को तोड़ करके इनके अंदर से जो ब्राउन रंग के सीड्स हैं इनको निकाल के आप अच्छे से सेव कर सकते हैं और अगले साल के लिए आप इनको स्टोर कर सकते हैं। इन सीड्स को, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते हैं जब आप इनको इस टाइम पे तोड़ते हैं, क्योंकि इस टाइम पे तोड़ने से आपके जो सीड्स होते हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से सूख चुके होते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपके जो सीड्स हैं वो इसी तरह के दिखाई देने चाहिए, लाइट ग्रीन या लाइट ब्राउन टाइप के नहीं, डार्क ब्राउन जैसे दिखने चाहिए। तो वही सीड्स आपके लिए नेक्स्ट ईयर प्लांट को अच्छे से ग्रो करेंगे और उनमें से छोटे छोटे बेबी प्लांट्स अच्छे से निकलेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये जो फलियाँ हैं ये अभी डार्क ग्रीन जैसी दिख रही हैं आपको। तो इनमें से अगर आप सीड्स को निकालेंगे तो इनमें जो सीड्स निकलेंगे वो ब्राउन जैसे नहीं होंगे और वो वाइट जैसे दिखाई देंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये जो गुलमेहंदी की फली है ये बिल्कुल लाइट ग्रीन या येलो जैसी दिख रही है। तो इसको जब आप खोलेंगे तो इसमें डार्क ब्राउन टाइप के आपको सीड्स दिखाई देंगे। तो यही सीड्स आप इनको अच्छे से कलेक्ट कर लेना है आपको। तो आप इनको लगभग एक दिन धूप में रख दीजिए, फिर उसके बाद किसी एयर टाइट डब्बे में रख दीजिए। इस तरह से ये कलेक्ट हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ये कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।